I7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स नाम की एक चेन है दिल्ली में, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहे हैं, कोविड के केस इतने बढ़ रहे हैं, डेथ इतने हो रहे हैं, आंखों में असर बहुत हो रहा है, किस तरीके से ये फिंगर्स जो है ये करेंगे आप बताएं। देखिए, आजकल कोरोना के चलते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीमारी सामने आई है जो आंखों को इफेक्ट कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस। ये यूजुअली उन पेशेंट में देखी जा रही है जो पेशेंट कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को अब ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी आंख की रोशनी जो है वो खत्म हो सकती है। देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी या अंदर की ताकत कम होगी, उस इंसान को ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, कोरोना में हो क्या रहा है कि कोरोना जब किसी इंसान को होता है तो उसकी इम्यूनिटी वैसी कम हो जाती है, साथ में कोरोना के इलाज के लिए हम लोग स्टेरॉइड भी देते हैं। और मान लीजिए कोरोना की इन्फेक्शन कुछ ऐसे लोगों में हो जाए जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, मान लीजिए डायबिटीज के पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, या मान लीजिए कैंसर के पेशेंट है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या HIV एड्स के पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। और जब इन लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन हो रही है और ये रिकवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम मिलती है। तो ब्लैक फंगस को बेसिकली हम राइनो और बाइटल सेरेब्रल प्रॉब्लम कहते हैं। राइनो का मतलब है नाक और बाइटल का मतलब है आंखें और सेरेब्रल का मतलब है दिमाग। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये इन्फेक्शन जो है, ये नाक से शुरू होती है, नाक से होते होते धीरे धीरे ऊपर जाती है आपके फेस, यहाँ पे साइनसेस है उसको इन्वॉल्व करती है, और फिर ये ऊपर जाके आंख को इन्वॉल्व कर सकती है और ऊपर जाके दिमाग को इन्वॉल्व कर सकती है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि अगर किसी इंसान को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम होती है तो सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसा लगना कि नाक में कुछ फंसा हुआ है, नाक स्टफी स्टफी हो रही है, नाक से खून निकलना, या चेहरे पे सूजन आना, चेहरे पे लाली आना, टेंडर होना कि दबाओ तो दर्द हो रहा है, या ये प्रॉब्लम अगर आंख तक पहुंच जाए तो आंख में सूजन आ सकती है, हो सकता है आंख की रोशनी कम हो जाए, आंख हिलना बंद हो जाए, आंख फूल के बिल्कुल बाहर निकल जाए और ऊपर दिमाग तक जा सकती है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है, बहुत ही घातक इश्यू है, जिसके बारे में आप सब लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये कौन सी उम्र को, जिस तरीके से ये फेस 1 फेस 2 चल रहे हैं, फेस 3 में कह रहे हैं कि बच्चों पर भी बहुत बड़ा ये होगा, तो क्या बच्चों की इस पर भी आंख पर असर आएगी? सर, ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी एक सर्टेन लेवल से नीचे जाती है, तो वो बच्चों में भी आ सकती है, बड़ों में भी आ सकती है। लेकिन बड़ों में तो अब काफी का टीकाकरण शुरू हो गया है, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जब थर्ड वेव आएगी तो काफी समय तक, थर्ड वेव आती है इससे पहले एडल्ट्स का टीकाकरण हो चुका होगा, तो थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि बच्चों का भी टीकाकरण नहीं हुआ है और वो अभी भी ससेप्टेबल है COVID-19 की इन्फेक्शन से। किस तरीके से परिवार जो अपने बच्चे को सेफ रखना है, आपसे कैसे बचना है आपकी तरफ से? सर देखिए, सेफ रहने का तो 2-3 ही तरीके हैं कि आप जितना मिनिमाइज करेंगे अपना एक्सपोजर, जितना घर से कम बाहर निकलेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। ऑफकोर्स मास्क का तो हमें यूज करना ही है, मास्क को आपको ये देखना है कि मास्क को डिस्पोज कब करना है। बहुत पेशेंट्स को मैं बहुत लोगों को ऐसे देखता हूँ कि वो एक ही मास्क को कई के दिन चला रहे हैं, एक हफ्ता चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हर मास्क की एक लिमिट है कितने टाइम तक काम करता है। जैसे मैंने सर्जिकल मास्क पहना है, इसकी लिमिट है 6 घंटे। अगर आप N95 मास्क पहनेंगे तो मैक्सिमम वो 24 घंटे चलता है। तो मास्क को आपको रेगुलरली चेंज करना है, और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज करना, साफ करते रहना, धोते रहना, ये सब प्रिकॉशन तो रखनी है। जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चे क्या, तो बच्चे का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, उसको भी किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लास अगर बहुत लंबे समय तक बच्चे लेते हैं तो ऑफकोर्स आंखों पे बुरा असर आता है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ना, आंखों का थक जाना, उसकी वजह से आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, लंबे समय तक आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आंखों में ड्राइनेस भी आ सकती है, सूखापन भी आ सकता है, और अगर बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर हो तो कंटिन्यूसली आंख को मलते रहेगा, हाथों से आंख में इन्फेक्शन भी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लंबे समय तक स्क्रीन पे बैठता है, मोबाइल पे बैठता है, तो एक बार ही आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाके आंखों का प्रॉपर चेकअप करा लीजिए। अगर छोटा बहुत कुछ चश्मे का नंबर है या आंखों की मसल्स वीक है तो प्रॉपरली उसका टाइमली इलाज होगा तो बच्चा कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जिस तरीके से कोविड का रिपोर्ट आ रहा है, कोविड की रिपोर्ट, RT-PCR रिपोर्ट आते हैं, लोग जो है CT स्कैन कराने चले जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, CT स्कैन एक्चुअली हो क्या रहा है कि CT स्कैन HRCT का इतना ज्यादा फैल गया है कि हर इंसान को लगता है कि जिसको कोविड हुआ उसको CT स्कैन कराना जरूरी है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइल्ड और मॉडरेट केसेस में आपको सीटी स्कैन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन सिर्फ सीवियर केसेस में इंडिकेटेड है। सीटी स्कैन में बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि आपके फेफड़े कितने डैमेज हुए कोविड से। तो जब हम सीटी स्कैन करते हैं उसमें कंसोलिडेशन फाइब्रोसिस मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सीटी स्कैन आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही कराना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोविड हुआ अगले दिन जाके सीटी स्कैन करा लेते हैं, उस अगले दिन सीटी स्कैन का कोई मतलब नहीं। अगर सीटी स्कैन में हमें चेंजेस देखने भी हैं तो वो चेंजेस 6 से 7 दिन बाद आते हैं। और अगेन आपको सीटी स्कैन अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ कराना चाहिए, क्योंकि बार बार सीटी स्कैन कराना भी सेफ नहीं है। हालांकि आजकल लो डोज सीटी स्कैन आ गए हैं जिसमें एक सीटी से 7 या 8 एक्सरे की रेडिएशन जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा के जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ जाके सीटी स्कैन करा लें, ये एक बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। उसका इलाज क्या है सर? देखिए, ब्लैक फंगस का इलाज ये है कि अगर टाइमली ब्लैक फंगस पकड़ी जाए तो हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयों से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर ब्लैक फंगस और ज्यादा फैल जाती है, बहुत ज्यादा नाक में आंख में फैल जाती है, तो हमें ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। ऑपरेशन करके ब्लैक फंगस को घिस के हमें निकालना पड़ता है। अगर ये इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा आंख को इन्वॉल्व कर लेती है, तो हो सकता है हमें आंख को भी निकालना पड़ जाए पेशेंट को बचाने के लिए। तो आपको ये समझना जरूरी है कि टाइमली इलाज करना, टाइमली डायग्नोस करना सारी की है। अगर हमें टाइमली पकड़ ली बीमारी को तो टाइमली बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं, पेशेंट की जान हम बचा सकते हैं बिना किसी डैमेज के। किस तरीके से, अगर कैसे पता चलेगा कि आंख में जो है प्रॉब्लम है, या किस तरीके से? अगर ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आंखों तक पहुंचती है तो आपकी नजर कम हो जाएगी, आंख को आप हिला नहीं पाएंगे, इधर उधर देख नहीं पाएंगे, आंख सूज जाएगी, सूज के आंख बाहर निकल सकती है, बड़ा सा मोटा सा सूजन आ सकती है आंख में। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आपको शक पैदा होना चाहिए कि ब्लैक फंगस हो रहा है, और इमीडिएटली आपको अपने आंखों के डॉक्टर